जय श्री गणेशा जी। सारे शहर वासियों नू गणेश चतुर्थी जिहड़ी कि इस वारी 31 अगस्त नू आ रही है, सारिआं नू उहदे लई बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। जिवें कि तुहानू पता है, सेवक तू फैक्टरी जग्गू चौंक स्थित हर साल की तरह इस साल भी ईको फ्रेंडली मूर्तियां गणेश जी के भगतों वास्ते उपलब्ध करवा के रखिया ने। इस वारी साढ़े को गणेश जी की स्पैशल ईको फ्रेंडली की मूर्ति आई है, जिहड़ा कि लोग घर विच भी विसर्जित कर सकते हैं, जिवें कि गमले दे विच लोग पौधे दे विच करते हैं, जां कई लोग ब्याह सतलुज भी जाते हैं, बड़े बड़े साइज भी आते हैं। ये साढ़े को सारे ईको फ्रेंडली दे विच आ। इकतीस अगस्त को शुरू होने जा रहे श्री गणेश उत्सव की तैयारियां लोगों द्वारा जोर शोर से शुरू कर दी गई हैं। सिद्धि विनायक विघ्नहर्ता इस बार शुभ संयोग में आएंगे। लगातार 10 दिनों तक होने वाली भगवान श्री गणेश जी की उपासना की शुरुआत में रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है। इसी को लेकर बाजार भी पूरी तरह से सज चुके हैं। गणेश उत्सव के बारे में जानकारी देते हुए सेवक धूप फैक्ट्री के श्री राम शर्मा जी ने बताया कि 31 अगस्त को उदय तिथि होने के चलते श्री गणेश चतुर्थी का व्रत इसी दिन रखा जाएगा और उनकी दुकान पर भी इस उत्सव से संबंधित हर तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। श्री राम जी के बेटे ने बताया कि उनके पास इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्तियों के अलावा 4 इंच से लेकर 48 इंच यानी 4 फुट तक की मूर्तियां उपलब्ध हैं। ये मूर्तियां बिना रंग के और बहुत सारे रंगों में भी उपलब्ध हैं, जिन पर जरी और स्टोन वर्क किया गया है। इसके अलावा गणपति जी के सुंदर वस्त्र आभूषणों के साथ साथ डेकोरेशन का सामान, सुगंधित धूप अगरबत्तियां भी उपलब्ध हैं। इस मौके पर जानकारी देते हुए उन्होंने 9 सितंबर को मूर्ति विसर्जन के बारे में बताया और सभी शहरवासियों को आ रहे गणपति उत्सव की बधाई दी। सारे शहरवासियों नू आने वाली गणेश चतुर्थी 31 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। जिवें कि तुहानू पता है, हर साल की तरह सेवक तू फैक्टरी की दुकान से ईको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्तियां जिहड़ा कि गणेश भगतों वास्ते उपलब्ध करवाई जांदियां ने, इस वारी भी साढ़े को बहुत तरह तरह की मूर्तियां आईया ने। मूर्ति साढ़े को 4 इंच तो लैके 48 इंच यानी 4 फुट तक साढ़े को मूर्तियां अवेलेबल है, जिदे विच कलर वाली, विदाउट कलर, प्लस कलर के उपर जरी का काम होया होया, उन्हां उत्ते स्टोन वर्क होया होया, लोगों की मतलब कि खासा उहदे विच रुचि बनी हुई है। तो साढ़े को लोग बहुत ही खरीदारी करके जा रहे, लोग पहला साढ़े को बुक करवा जाते मूर्तियां, फिर 31 या 30 अगस्त में लोग घर लैके जाते हैं। तो 31 अगस्त गणेश चतुर्थी दिन लोग घर अपने स्थापित करते हैं। कई लोग 3 दिन 5 दिन 7 दिन इदा करके लोग विसर्जित का टाइम रखते हैं। उस तो बाद लोग इनू घर के अपने पौधे के अपने गमले घर के जो कई लोग ब्याह सतलुज भी जाते हैं, प्रवाहित कर मूर्तियाँ जल प्रवाह करन जाते हैं। तो साढ़े को बहुत तरह की मूर्तियां अवेलेबल है, उन्होंने डेकोरेशन का समान जिमें कि लड़ियाँ डिकोर वास्ते, उन्होंने साढ़े को इतर आते हैं रूम फ्रैशनर वास्ते, धूप अगरबत्ती, उन्होंने ड्रैसा, उन्होंने परने पटके, होर जो जो पूजा समान लगता जिमें कि लौंग, इलायची, सुपारी, मुश्क, पूरा आरती वास्ते गणेश जी का, साढ़े को हर एक चीज़ अवेलेबल है।